हेलो गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू वेलकम इन डेली कैट क्वांट प्रैक्टिस दिस इज डे वन एंड टुडेज क्वेश्चन इज दिस वन ये आज का क्वेश्चन है बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कहता है रोहन एंड सोहन टेक ए वेकेशन एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस दो लोग हैं इस क्वेश्चन में रोहन एंड सोहन दे टेक अ वेकेशन एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग द वेकेशन दे डू एनी एक्टिविटी टुगेदर दे दे इधर प्ले टेनिस इन द इवनिंग या तो टेनिस खेलते हैं इवनिंग में प्रैक्टिस योगा इन द मॉर्निंग या फिर योगा करते हैं मॉर्निंग में एंड शोविंग दैट दे डो नॉट अंडरटेक बोथ द एक्टिविटीज ऑन एनी सिंगल डे दोनों एक्टिविटी ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दोनों एक्टिविटीज करते हैं वो मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा हिंदी में समझाऊंगा एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए There were some days when they did nothing. Out of the days they stayed at their grandparents' house, they involved in one of the two activities on 22 days. Hai? However, their grandmother, while sending an end of the vacation report to their parents, stated that they did not do anything on 24 mornings and they did nothing on 12 evenings. They did nothing. दे डिड नथिंग ऑन ट्वेंटी फोर मॉर्निंग्स एंड दे डिड नथिंग ऑन ट्वेल्व इवनिंग्स हाउ लॉन्ग वाज देअर वैकेशन तो मान लेते हैं उनकी जो वैकेशन थी वो एक्स डेज की थी टोटल वो जितने दिन ठहरे बच्चों वो एक्स डेज थे टोटल वो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर जितने दिन ठहरे वो एक्स डेज थे तो मुझे ये बताइए देखो पूरा क्वेश्चन एक बार हिंदी में मैं समझा देता हूँ दो लोग हैं बच्चों दोनों ही वैकेशन पर गए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर तो कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो मिलकर करते हैं अगर वो इवनिंग में करते हैं तो टेनिस खेलते हैं कोई एक्टिविटी अगर मॉर्निंग में करते हैं तो वो योगा वाली करते हैं तो एन्श्योर दैट वो ये इन्श्योर करते हैं कि दे डू नॉट टेक बोथ द एक्टिविटीज़ किसी भी दिन में दोनों एक्टिविटीज़ नहीं होती मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक, एक एक्टिविटी होती है किसी दिन में और कुछ दिन ऐसे भी थे जब उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की ठीक है तो तो 22 डेज ऐसे थे बच्चों जो उन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटी की और आगे वो कहता है ट्वेंटी फोर मॉर्निंग्स ऐसी थी जब उन्होंने कोई भी एक्टिविटी नहीं की और ट्वेल्व इवनिंग्स ऐसी थी जहां पे उन्होंने कोई भी एक्टिविटी नहीं की तो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हमें बहुत ही कंफ्यूजिंग है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है बहुत ही इजी वे से देखेंगे क्वेश्चन को देखो सवाल में हमने कहा कि टोटल वो एक्स डेज अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पे घर पर ठहरे हैं तो क्या हम बोल सकते हैं अगर टोटल एक्स डेज ठहरे हैं तो उनमें एक्स ही मॉर्निंग्स होंगी एक्स ही उनमें मॉर्निंग्स होंगी और एक्स ही उनमें इवनिंग्स होंगी बताइए ठीक है अगर टोटल अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे वो एक्स डेज ठहरे हैं तो उसमें मॉर्निंग्स होंगी इवनिंग्स होंगी जो मॉर्निंग्स हैं उनमें से 24 मॉर्निंग्स उन्होंने कुछ नहीं किया तो अगर मैं वो 24 फोर इसमें से माइनस कर देता हूं तो कैनाई से बच्चों ये ये वो वो वाली मॉर्निंग्स हैं या वाले दिन हैं जब जब उन्होंने उन्होंने योगा किया क्योंकि मॉर्निंग में वो योगा करते हैं हमने वो सारे वो सभी मॉर्निंग्स निकाल दी जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो कौन सी मॉर्निंग्स बची जब उन्होंने कुछ किया क्या किया योगा किया तो ये वो दिन है जब उन्होंने योगा किया और से ही एक्स इवनिंग्स हैं उनमें से ट्वेल्व इवनिंग्स उन्होंने कुछ नहीं किया तो अगर मैं वो ट्वेल्व इवनिंग्स टोटल एक्स इवनिंग्स में से वो ट्वेल्व इवनिंग्स निकाल दूं तो वो इवनिंग्स बचेंगी या फिर आप कहो कि वो दिन बचेंगे जब उन्होंने जब उन्होंने क्या किया इवनिंग में क्या करते हैं टेनिस खेलते हैं सर तो टेनिस खेला तो ये वो दिन है बच्चों देखो ये वो दिन है ये ये वो दिन है जब उन्होंने योगा किया ये वो दिन है जिन जब उन्होंने क्या खेला टेनिस खेला अगर दोनों को ऐड कर दें तो कैन आई से ये वो दिन आ जाएंगे जब उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया मतलब या तो योगा किया या टेनिस किया और ये अलग अलग दिन है देखो ये योगा वाले दिन है ये टेनिस वाले दिन है सब कॉमन क्यों नहीं है क्योंकि क्योंकि एनश्योरिंग दैट दे डू नॉट टेक अंडरटेक बोथ द एक्टिविटीज ऑन एनी सिंगल डे कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने दोनों एक्टिविटी की तो योगा वाले दिन अलग है टेनिस वाले दिन अलग है दोनों को मिला के टोटल कितने दिन उन्होंने एक्टिविटी की टोटल ट्वेंटी टू डेज कोई ना कोई एक्टिविटी की तो दिस मस्ट भी इक्वल टू ट्वेंटी टू अब बच्चे इसमें कहेंगे अब इसमें बच्चे कहेंगे कि सर आपने आपको कैसे पता कि इनमें वो दिन है या नहीं है जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो बेटा कुछ नहीं किया वाले दिन तो अपने आप हट गए ना हमने तो उस पर फोकस किया जब कुछ किया देखो अगर चौबीस मॉर्निंग कुछ नहीं किया तो उन चौबीस मॉर्निंग्स में वो भी तो है ना जिनमें उन्होंने दोनों चीज नहीं की तो वो अपने आप हट गई जब आपने चौबीस मॉर्निंग्स हटा दी तो हम तो उस उसपे फोकस कर रहे हैं जब कुछ किया तो एक्स माइनस चौबीस मॉर्निंग्स तो वो है जो योगा किया ऐसे ही ये हमने उस पर फोकस किया जब कुछ किया

हमारा ट्वेंटी नाइन हो जाएगा तो ट्वेंटी नाइन इस सवाल का आंसर होना चाहिए यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलिए